प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं के शत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग ले रहे हैं। आज 2100 से अधिक ग्रामीण व शहरी ठिकानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर्स भी जुड़े हैं। 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड राज्य के खूंटी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। 68 आदिवासी जिलों से शुरू हुई यात्रा आज देश के सब कोनों में पहुंच गई है व सभी जगह नागरिक अतिशय उत्साह से यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से जुड़े हैं, उनको स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी माननीय राज्यपाल, सभी माननीय मुख्यमंत्री, सभी माननीय केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, विधायक एवं चुने हुए सभी प्रतिनिधि, देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए लाखों मेरे भारतीय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो जन जन तक योजनाओं पहुंचाने वाले ऐसे जनता को जो परिवार जन मानते हैं, ऐसे प्रधान सेवक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब शपथ ली थी तो आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान और किसान की होगी। और पिछले 9.5 वर्ष दिखाते हैं कि आपके अंतक प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके लिए सदा हम आपके धन्यवादी। आपने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी से, आदिवासी जिले से, जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया, जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात कही। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी फैलाएंगे और जो बच गए हैं उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे, और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर निकली। पहले 75 ऐसे जिलों तक जो जनजातीय थे वहां तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1,20,00,000 लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया है। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं,
नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है। और आपने जो संकल्प दिलाया है वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा कि अगले 5 वर्षों में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8 लाख से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10 लाख का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों को दे चुके हैं। इसी तरह से ही हमारी उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 2,69,000 पंचायतों में और 4,100 अर्बन लोकल बॉडीज में, जो हमारी शहरी निकाय हैं, उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के लिए हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है, ये जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं, आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है। और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी विकसित भारत का एक एम्बेसडर बने। तो आइए सब लोग विकसित भारत का एम्बेसडर भी बने, अपना योगदान दें। और एक बार फिर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जुड़े, मैं देशवासियों की ओर से, परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ शत प्रतिशत हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल, या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महा जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। Z News।